राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो डाला है जिसे आपने देखा होगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो सभी वीडियो को देखा होगा। घर के विषय में, गृहारम्भ के विषय में, गृह प्रवेश का मुहूर्त, गृहारम्भ का मुहूर्त, मैंने सब चीज़ों का वीडियो डाला है। आप इसे देखें और इससे लाभ उठाएं। शांति वगैरह सब चीज़ के विषय में डाला है और मैं डालता रहूँगा बराबर इन सारे वीडियो को, तो आप इसे देखकर लाभ उठाएं। और दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, अब इधर उधर की बात ज़्यादा ना कर विषय पर आता हूँ। दोस्तों, आज मैंने जो वीडियो डाला है, तो इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला है वो डाला है उत्तरोन्मुखी घर के विषय में। आपको कहाँ क्या बनाना है, कैसे बनाना है और क्या नहीं बनाना है, जिससे आप सुखी रहें घर में। और अगर गलती से किसी भी तरह का वास्तु दोष हो गया तो उसका निवारण बिना तोड़ फोड़ का किस प्रकार करें, इन सारी बातों को मैंने डाल दिया है। आज मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ इसको मैं दक्षिणोन्मुखी घर के लिए डाल रहा हूँ। दक्षिणोन्मुखी अर्थात जिस घर का दरवाज़ा दक्षिण की ओर हो, मुख्य सड़क दक्षिण की ओर हो, उसे दक्षिणोन्मुखी घर कहा जाता है। सभी मुख के घर के विषय में, किस मुख के घर को क्या कहा जाता है उसके विषय में इससे पहले वीडियो डाल दिया है, उसे आप देख लें। तो आज मैं दक्षिणोन्मुखी घर के विषय में बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे आपके घर में किसी भी प्रकार का आपको कष्ट नहीं हो, आप सुखी रहें, उसके विषय में बता रहा हूँ आज। तो दोस्तों, दक्षिण दिशा में जिस घर का मुख हो, मेन सड़क मुख्य रास्ता दक्षिण की ओर हो और उधर दरवाजा हो, तो उसे दक्षिणोन्मुखी घर कहा जाता है। और इस दिशा के देवता जम होते हैं और यह उनका द्वार है, जम का द्वार है, इसलिए इस तरह के भूखंड को अधिकतर लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप इसमें बनाएंगे भी तो कोई बात नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाएं, वास्तुशास्त्र जो कहता है उसके अनुसार बनाएं, तो आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, आपको सुख होगा। इस ओर दक्षिण मुख का जो दरवाज़ा होता है घर का, इस दिशा का स्वामी मंगल है और फेंग सुई के अनुसार इस दिशा का अग्नि तत्व होता है। और ऐसे भूखंड पर अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्माण कराया जाए तो फिर अच्छी बात है, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, बहुत सुख करेंगे। तो इसमें सावधानी आपको क्या बरतना है, क्या किस तरह बनाना है, उसके विषय में मैं बताता हूँ आपको कि दक्षिण भाग का जो चबूतरा है वो भीतरी भाग से, आपने जो घर बनाया उस घर से दक्षिण भाग का चबूतरा ऊंचा हो, तो इससे क्या होगा, आपके घर में धन वृद्धि का योग प्रबल होगा, धन की वृद्धि होगी। और दक्षिण को छोड़कर नहीं बनाएं, दक्षिण तरफ सटकर ही बनाएं घर को, दक्षिण तरफ जगह ना छोड़ें। दक्षिण भाग ऊंचा होना चाहिए और उस ओर अगर गाय बांधी जाए दक्षिण की ओर तो बहुत शुभ होता है। और अगर वहाँ गोबर एकत्रित कर दी, गोबर जो गाय करती है वो एकत्रित किया जाए उस ओर दक्षिण की ओर, तो यह बहुत गृह स्वामी के लिए बहुत लाभकारी होता है। दक्षिण भाग के कमरों का निर्माण ऊंचा रखा जाए, दक्षिण भाग में जो आपके कमरे हैं उसको ऊंचा रखिए, उत्तर भाग से नीचा नहीं रखिए, उसको ऊंचा रखिए। यह आपके लिए जस प्राप्ति का साधन होगा, जस प्राप्ति के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और दक्षिण दिशा में भूलकर भी कुआं ना बनाए, अगर दक्षिण दिशा में कुआं बना दिया जाए, अगर बना देते हैं तो वहाँ मृत्यु की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है, इसलिए दक्षिण भाग में कुआं कभी ना बनाए। अच्छा, भवन में जो आपका घर में जल का प्रयोग होता है स्नान वगैरह के लिए या वर्षा का जल, उसको आप उत्तर दिशा की ओर निकालिए, दक्षिण दिशा की ओर ना निकालें। अगर उत्तर जगह ना हो तो आप पूरब की ओर निकालिए,
पूरब में भी अगर जगह ना हो तो आप क्या करें, नाली को आप पूरब तरफ ले जाएं और पूरब तरफ ले जाके फिर दक्षिण तरफ निकालें। अगर दक्षिण तरफ ही निकालने का उपाय है, कोई और दूसरा उपाय नहीं है, तो आप नाली को घर का पहले पूरब तरफ ले जाएं और पूरब तरफ से आप दक्षिण की ओर निकालें। ऐसे भूखंड का निर्माण कार्य दक्षिण दिशा से ही शुरू करें। दक्षिण उन्मुखी घर जो है उसका निर्माण कार्य आप दक्षिण दिशा से ही करना आपके लिए उत्तम रहेगा। भूखंड के दक्षिण दिशा में कक्ष बनाकर, रूम बनाकर और वहाँ भारी सामान रखें। जो भी भारी सामान आपके घर में हो, जिसका कोई उपयोग ना हो, उस सामान को उस ओर रखें। भवन का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर रखें, अर्थात बीच में रखें। आप नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम का कोण में कभी नहीं रखें। वहाँ अगर मुख्य द्वार को रखते हैं तो उसमें शत्रु भय, शत्रुओं का बराबर हमला होता रहेगा, आपके शत्रु ज़्यादा हो जाएंगे और वहाँ अकाल मृत्यु का भय होता है। और अगर आप अग्नि कोण में रखेंगे, दक्षिण और पूरब के कोण में दरवाज़ा रखते हैं, तो वहाँ घर में आग लगने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसलिए आप दरवाजे को दक्षिण में बीच में रखें मुख्य द्वार को। तो दोस्तों आज इतना ही, और आपके लिए क्या अनुकूल प्रभाव होगा और क्या प्रतिकूल प्रभाव होगा उसके विषय में भी मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम अनुकूल प्रभाव क्या होगा उस घर में जो आपके पक्ष में हो, तो उसके विषय में सुनिए कि दक्षिणी भाग ऊंचा रखने से गृह स्वामी का स्वास्थ्य एवं संपन्नता बनी रहेगी, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और आप संपन्न होंगे। भूखंड के दक्षिण भाग में बने कक्ष का फर्श ऊंचा रखने से क्या होगा, गृह स्वामी ऐश्वर्यवान होगा एवं सुख शांति प्राप्त होगी उसे। दक्षिण दिशा की ओर निर्मित बरामदा आदि को घर के फर्श से ऊंचा बनाने से गृह स्वामी को अर्थ एवं स्वास्थ्य का लाभ बराबर मिलता रहेगा। दक्षिण में कंपाउंड वाल को घर के अन्य भागों से ऊंचा बनाना हितकर है, अर्थात दक्षिण भाग में जो कंपाउंड का दीवार है आपका, उसको अन्य भाग के दीवार से ऊंचा रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए अच्छा नहीं, क्या अच्छा नहीं होगा उसके विषय में बताऊंगा। अगर कोई गलती हो ही गई तो उसको सुधारा कैसे जाए उसके विषय में भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता हो ये वीडियो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकॉन को अवश्य टच कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो इसमें डालूंगा सर्वप्रथम आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों आज इसमें बस इतना ही, मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। राधे राधे।